वेलकम टू स्टडी जोन। आज है 16 सितंबर 2018 और इस वीडियो में मैं आपसे 16 सितंबर के जितने भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डेली करंट अफेयर की वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखा करें। वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में मैं आपसे क्विज के दो क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। साथ ही आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है और भारत में इंजीनियर्स डे सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, और सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 को हुआ था और विश्वेश्वरैया 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान पद पर कार्यरत थे और 1955 में विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1955 में, और किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की भी उपाधि इनको दी गई थी। किंग जॉर्ज पंचम से रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज पंचम की याद स्वागत में ही मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि किंग जॉर्ज पंचम भारत में कब आए थे, और नेक्स्ट आता है कि दिल्ली दरबार किनके स्वागत में लगाया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए थे और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार 1911 में लगाया गया था। और वहीं अगर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात करें तो उन्होंने अपने समय में चीफ इंजीनियर की भूमिका निभाते हुए कृष्णा सागर बांध का निर्माण किया था, और कृष्णा सागर बांध कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में बाढ़ नियंत्रण सिस्टम बनाने के लिए चीफ इंजीनियर के तौर पर भी काम किया था। और वहीं सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में काम किया और फिर भारतीय सिंचाई आयोग में काम करने लगे, और अपने सिंचाई परियोजना के कारण उन्हें विश्व भर में सराहना मिली। और वहीं इनका निधन 14 अप्रैल 1962 को हुआ था। और आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को शेयर जरूर किया करें। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और जिस भी प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह अगले साल काशी में कब आयोजित किया जाएगा? 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के लिए 7 से 9 जनवरी की तारीख तय की गई थी, लेकिन प्रवासियों की मांग के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। अब यह तारीख तय की गई है 21 से 23 जनवरी। प्रवासियों ने 15 जनवरी से प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, जमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लगने वाले विश्व के सबसे बड़े कुंभ मेले को देखने और 26 जनवरी को राजधानी में गणतंत्र दिवस परेड को देखने की इच्छा व्यक्त की गई थी, और उन्होंने इसके लिए कार्यक्रम की तारीख बदलने का आग्रह किया था और सरकार ने उसी के अनुरूप कार्यक्रम तय किया है। और नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की वेबसाइट का लोकार्पण किया, और उत्तर प्रदेश के भागीदार प्रदेश होने के संबंधी समझौते ज्ञापन पर भी विदेश मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। और 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री पविंदर जगन्नाथ, और युवा प्रवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे नॉर्वे के युवा सांसद हिमांशु गुलाटी। और समारोह का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 23 जनवरी को इसका समापन करेंगे, और वहीं राष्ट्रपति 30 प्रवासी भारतीय दिवस भारतीयों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगे। और वहीं प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी भारत में वापस आए थे और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 से हुई थी। तो इसमें आपके लगभग 10 क्वेश्चन तय होते हैं, आपको ये सभी याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस बार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा, यह 15वां, और यह कहां पर आयोजित किया जाएगा, काशी में आयोजित किया जाएगा।
एक बार रिवाइज करते हैं सारे क्वेश्चन कि सबसे पहले 15वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की वेबसाइट का लोकार्पण किसने किया? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भागीदार प्रदेश कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, इसमें मुख्य अतिथि कौन है? प्रधानमंत्री प्रविंदर जगन्नाथ, और प्रविंदर जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है, अगर आपका क्वेश्चन है युवा प्रवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो उसमें आपका आंसर आएगा नॉर्वे के युवा सांसद हिमांशु गुलाटी। तो आपको दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका समापन कौन करेंगे? इसका समापन करेंगे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और वहीं कितने प्रवासी भारतीयों को सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो आपका आंसर आएगा 30 भारतीय प्रवासियों को। और वहीं आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात देते हुए निम्न में से कौन से निर्णय लिए हैं? आपका पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने देश भर के आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदंड में केंद्र सरकार के हिस्से में बढ़ोतरी कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आशा कर्मियों के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है, जिन आंगनवाड़ीकर्ताओं का मानदेय 2,250 रुपये था, उन्हें अब 3,500 रुपये मिलेंगे, और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 1,500 रुपये के स्थान पर 2,250 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट है कि यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2018 से लागू होगा। और नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मुफ्त दी जाएगी। यानी इसके तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2,00,000 रुपये और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2,00,000 रुपये, यानी टोटल 4,00,000 रुपये की बीमा योजना मुफ्त दी जाएगी। तो इसमें आपके सभी पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन जी, उपयुक्त सभी सही है। और ये सभी आपको याद रखने हैं, पेपर में आपके कोई भी 2-3 पॉइंट देके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई का त्यौहार मनाया जा रहा है? तो इसमें आंसर आएगा नुआखाई का त्यौहार ओडिशा राज्य में मनाया जा रहा है। और आपके एग्जाम्स में त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे कि मैप में आप उड़ीसा राज्य को हाईलाइट किया देख रहे हैं, उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है, और उड़ीसा राज्य के उत्तर में झारखंड राज्य है, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश राज्य है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य है, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। और इस प्रकार से उड़ीसा राज्य की 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और वहीं उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, और उड़ीसा राज्य के राज्यपाल है प्रोफेसर गणेशी लाल, और उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। और वहीं आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप का ही नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो ये भी उड़ीसा राज्य में है। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का प्रयोग भारत अपने मिसाइल कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। वही पर्यटन स्थल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मैंने 3 पिक्चर दिए हैं, सबसे पहली पिक्चर है सूर्य मंदिर कोंकण की, ये भी उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर की, लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। जो आप बीच में पिक्चर देख रहे हैं ये लिंगराज मंदिर की पिक्चर है, और जो आप लास्ट पिक्चर देख रहे हैं ये है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये भी उड़ीसा राज्य में है। और इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक 19 सितंबर को कितने करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, और इस कदम का उद्देश्य प्रणाली में नकदी को प्रचालित करना है? तो इसमें आंसर आएगा 10,000 करोड़ रुपए की। जब बाजार में अतिरिक्त नकदी होती है यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसा होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिक्री के लिए प्रयोग की जाती है। यानी सरकार या आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, और जिससे बाजार का रुपया रिजर्व बैंक में जमा होता है, और जिससे बाजार में रुपये की कमी हो सकती है। और इसी का उल्टा, जब बाजार में नकदी की स्थिति तंग होती है यानी बाजार में पैसा कम होता है, तो रिजर्व बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाजार से खरीद लेता है वापिस, और उसके बदले में वो वापिस पैसा देता है बाजार में, जिससे बाजार में नकदी बढ़ाई जा सकती है। और वहीं एक बार फिर से
रिजर्व बैंक को रिपीट करते हैं रिजर्व बैंक के बारे में। रिजर्व बैंक के फिलहाल गवर्नर है उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर है, ये आपको याद रखने हैं। और रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में, और रिजर्व बैंक की स्थापना की थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। और जब भी रिजर्व बैंक का नाम आए ये बातें आपको रिपीट करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हस्तशिल्प के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? हस्तशिल्प हाथों से की गई शिल्पकारी या कारीगरी को कहा जाता है, जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम भी आता है। और हस्तशिल्प के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है शिल्प गुरु, और वहीं प्रेजेंट में केंद्रीय कपड़ा मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी। और हाल ही में स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक समारोह में कुशल शिल्प व्यक्तियों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए, और वर्ष 2016 के लिए पुरस्कार प्रस्तुत किए गए थे, और इसके लिए 8 शिल्प गुरु और 25 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। और शिल्प निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है, और पिछले 4 सालों में भारत से 1,26,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले हस्तशिल्प वस्तुएं निर्यात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच वनस्पति संरक्षण और वनस्पति संगरोध और ऑन एयर सेवा में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा भारत और सर्बिया के बीच। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सर्बिया, माल्टा और रोमानिया कंट्री देशों के दौरे पर है, और सबसे पहले वो गए सर्बिया कंट्री में, और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के बीच इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जब भी किसी कंट्री की बात आए या किसी स्टेट की बात आए तो आप उसको मैप में जरूर देखा करें। मैप में देखने से आपको वो चीजें अच्छे तरीके से याद होने लगती है। जैसे आप सर्बिया कंट्री को हाईलाइट किया हो देख रहे हैं, सर्बिया कंट्री यूरोप महाद्वीप में कंट्री है, और सर्बिया कंट्री की राजधानी है बेलग्रेड, और वही सर्बिया कंट्री की मुद्रा है दिनार, और वहां के राष्ट्रपति है अलेक्जेंडर वुसिक। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को, और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय या इस बार की थीम रही है डेमोक्रेसी अंडर स्ट्रेन सॉल्यूशन फॉर चेंजिंग वर्ल्ड, और लोकतंत्र के प्रचार और एकीकरण के लिए 2007 में एक प्रस्ताव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था 15 सितंबर 2008 को, यह भी आपको याद रखना है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात चली है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनिया गुटेरेस, और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वही 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल से अगस्त 2018-19 के दौरान भारत से कुल निर्यात वाणिज्य और सेवा सेक्टर दोनों में कितने अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 221.83 अरब अमेरिकी डॉलर, और जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20.70% तक अधिक है। और वहीं अप्रैल अगस्त 2018-19 के दौरान कुल मिलाकर आयात कितने अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें आंसर आएगा 269.54 अरब अमेरिकी डॉलर, और यह भी पिछले साल की तुलना में 21.01% तक अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री 15 सितंबर को इलाज के लिए एम्स दिल्ली में भर्ती किए गए? तो इसमें आंसर आएगा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर, और मनोहर पारिकर पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे, और पीछे कुछ दिनों पहले ही वो अमेरिका भी गए थे इलाज करवाने के लिए। और वहीं एम्स में मुख्यमंत्री का इलाज डॉक्टर प्रमोद गर्ग की अगुवाई में चल रहा है, और वहीं मनोहर पारिकर आग्नाशय की बीमारी से पीड़ित है, और हाल ही में मनोहर पारिकर का इलाज होने में लंबा वक्त लग सकता है, इसलिए उन्होंने पार्टी से कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। यानी उनकी जगह पे सीएम पद की यानी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी किसी और को सौंपी जाए, ऐसा अनुरोध भी मनोहर पारिकर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को किया है। अगर ऐसा होता है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि उसका अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी
मानव विकास सूचकांक 2018 में 189 देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें आंसर है कि भारत को रैंक मिली है 130वीं। वह इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट रैंक किसको मिली है? फर्स्ट रैंक मिली है नॉर्वे को, सेकंड स्विट्जरलैंड को और थर्ड ऑस्ट्रेलिया को। इसमें नेक्स्ट आता है कि भारत के पड़ोसी देश चीन को और पाकिस्तान को कौन सी रैंक मिली है? तो चीन को रैंक मिली है 86 और पाकिस्तान को मिली है 150। आपको फर्स्ट और चीन की रैंक, पाकिस्तान की रैंक और भारत की रैंक, ये चारों रैंक याद रखनी है। और वहीं इसमें लास्ट पोजीशन पर रहा है यानी 189 पोजीशन पर रहा है नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा आंदोलन की शुरुआत कब से की? तो इसमें आंसर आएगा इसकी शुरुआत 15 सितंबर से की गई और यह 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक चलेगा। और इसकी शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बाबा साहेब अंबेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने डेयरी सेक्टर में विकास के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कितना अनुदान दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 440 करोड़ रुपए। और वहीं प्रेजेंट में कृषि मंत्री है राधा मोहन सिंह और भारत 17,63.5 लाख टन के अनुमानित उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के उपलक्ष में किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत पहला पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें आंसर आएगा रेल मंत्रालय को। और प्रेजेंट में रेल मंत्री है पीयूष गोयल और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा VC-11184 का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, यह मिसाइल ट्रैकिंग भारत का प्रथम जहाज है और यह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और ट्रैकिंग सर्विलांस जहाज है जो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के लॉन्च होते ही उसे ट्रैक करेगा। और इस तरह की सर्विलेंस शिप अभी तक अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास है और 2018 में हमारी नौसेना के पास भी ये जहाज शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे नेवरली ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसमें आंसर आएगा यह गूगल की एक ऐप है और बाजारों, पार्कों, फिटनेस केंद्रों और होटल और ट्यूशन केंद्रों जैसी अन्य स्थानीय सुविधाओं की जानकारी देने वाला यह एक ऐप है। सबसे पहले यह मुंबई और जयपुर में शुरू किया गया था और अब इसे भारत के 5 और नए शहरों में शुरू किया गया है और ये 5 शहर है अहमदाबाद, कोयम्बटूर, मैसूर, विजग और कोटा। क्विज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला जनजातीय पर्यटन सर्किट शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है। क्विज के लिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है जर्मनी, अर्जेंटीना, भारत और इंडोनेशिया। और साथ ही आपको यह भी बताना है कि G20 की स्थापना किस वर्ष और किस तारीख को की गई थी। और साथ ही आप क्विज के दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें और ज्यादा ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर, ज्यादा ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें। तो ये थे 16 सितंबर के डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम डेली करंट अफेयर की वीडियो की नेक्स्ट डोज लेके आएंगे। डेली करंट अफेयर वीडियो की नेक्स्ट डोज पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पेजेस पर शेयर जरूर करें।